Let's see about the another investments. Mr. Investor has a portfolio of diversified investments. Let me explain your portfolio. You know, normally if we want to put our money in certain investments, we don't put all our money into one asset. We distribute it into different assets. If you let's say A, B, C. So instead of buying just A's company share, you buy A, B, C. Proportionately. So you will save in case A is in loss. So you may compensate it from B or C. So that is portfolio. Diversified investment. In 2018, he made investments in two financial assets. One is 550,000 were invested in fair value through profit and loss account investment that also incurred a transaction cost of 5000. तो एक इन्वेस्टमेंट जो है आपने पाँच लाख पचास हज़ार की की और उस पर आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ी है नॉर्मली इस नॉट जैस के जी आप जाएँ मार्केट से ख़रीदें आपको किसी ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है और ब्रोकर जो है अपनी फीस चार्ज करता है एट द एंड ऑफ टू थाउजेंड एटीन वैल्यू ऑफ़ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू सिक्स हंड्रेड थाउजेंड यानी पाँच लाख पचास से आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो छः लाख हो गई है And in the year 19, you sold it for 625,000. Now recognition, there is change, and disposal. Second, the investment was bought for 775,000 and was classified as available for sale. Transaction cost was 6,000 and the value increased to 790,000. And at the end of 2000, uh, it was also sold at 915 in 2019. सो so अगेन उसकी प्राइस में चेंज है और उसके बाद सेल है तो लेट्स सी हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू रिकोगग्नाइज देन द चेंज एंड देन द डिस्पोजल नाउ फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट वुड बी रिकॉर्डेड एट फाइव थाउजेंड फिफ्टी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिंपल है देखें कि आपने जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करनी है और इन 2018 में इसकी रिमैड किया आपने तो इसमें आपको 50,000 की इंक्रीज आई है तो आपने अगेन इसको एसेट्स को डेबिट किया और अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही को क्रेडिट किया है और 2019 में जब आपने इसको सेल किया तो आपको फिर गेन हुआ अगर आप टोटल करें क्वेश्चन में दोबारा से देख लें आपने छः लाख हो गई थी दो हज़ार अठारह में आपने छः लाख पच्चीस में बेची तो आपको पच्चीस हज़ार का गेन हुआ और यह भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना होगा अवेलेबल फॉर सेल में देखें इट वॉज रिकॉर्डेड एट टू सेवन एटी वन इसमें आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड करना होगी एट द एंड ऑफ द ईयर देखिए फ़र्क क्या है कि जो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड नहीं होती जबकि हेल्ड वो अवेलेबल फॉर सेल जो है उसमें ऐड होती है सो एट एंड ऑफ़ ईयर टू थाउजेंड एटीन एस री में ईयर टू सेवन नाइन्टी सो अब देखिए जो डिफरेंस है सेवन एटी वन और सेवन नाइन्टी का दैट इज़ नाइन थाउजेंड ये आपको टेकन टू अदर कंपरीहेंसिव इनकम नोट करें इस पॉइंट को कि चूँकि आपने इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड की है तो इसमें जो चेंज आएगी वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे बल्कि इसको थ्रू कम्प्रीहसिव इनकम में जाएगा यानी इक्विटी के पार्ट में चला जाएगा और जब आप इसको बेचेंगे इसकी डिस्पोजल में भी देखें फिर से क्वेश्चन में देख लें कि आपका सेवन सेवेंटी फाइव था फिर ये हो गया सेवन नाइन्टी अब बेचा आपने इसको नाइन फिफ्टीन सो डिफरेंस ऑफ सेवन नाइन्टी और नाइन फिफ्टीन का वो आपका गेन हुआ एंड देट इज़ वन ट्वेंटी फाइव नॉ एट डिस्पोजल गेन ऑफ नाइन थाउजेंड वॉज रिक्लासीफाइड जो जो नौ हज़ार आपकी इंक्रीज आई थी ना जो आपने इक्विटी में डाली थी वो भी और ये वन ट्वेंटी फाइव भी मिलकर दोनों अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे तो दिस इज हाउ द डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अवेलेबल फॉर सेल तो चेंज नंबर वन थिंग टू लुक इन टू इट द ट्रांजेक्शन कॉस्ट पहले में एड करना है और दूसरे में एड नहीं करना है पहले में जो प्रॉफिट होगा चेंज आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी लेकिन दूसरे केस में वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं चेंज वो ओ सी आई में जाएगी अल्टीमेटली जब आप उसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे तो देन इट बिकम्स योर प्रॉफिट थैंक यू वेरी मच